हे गाइस, आज हम बनाना सीखेंगे जापानीज फेस पैक। इस जापानीज फेस पैक से है ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी एंड फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये जापानीज फेस पैक। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। गाइस, इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चावल चाहिए उबले हुए, तो हम इन्हें उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारे राइस उबलकर रेडी हो चुके हैं और अब हम इन राइस में से कम दो चम्मच राइस ले लेंगे। तो अब आप इनमें से दो चम्मच राइस निकालकर अलग कर लीजिए और इसमें अब हम मिल्क डालेंगे। 3 से 4 चम्मच इसमें मिल्क डाल दीजिए जिससे कि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए, मिक्सचर बन जाए इसका। चावल जो होता है ना वो आपकी स्किन का जो एक्सेस ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको हटा देता है। चावल में ना PABA नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो सनस्क्रीन की तरह आपके फेस पर काम करता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन आपके फेस को देता चावल है। चावल एंटी एजिंग, झुर्रियां और डार्क स्पॉट के लिए भी काफी अच्छा होता है। चावल में अमीनो एसिड्स और विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरह से काम करता है। और गाइस, चावल के आटे में होता है एंटीऑक्सीडेंट। चावल बहुत ही गुणों का भंडार है, कह सकते हैं बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। चावल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देता है। अब हम इसको जो है ना बढ़िया सा पतला सा गाढ़ा सा मिक्सर बना लेंगे इस ग्राइंडर में डाल के। तो हमारा ये चावल के पेस्ट का मिक्सर बनकर तैयार है। अब हम इसमें जो है ना हनी डालेंगे। हनी यहाँ पर हमें आधा चम्मच लेनी है। अब हम डालेंगे इसमें एक चुटकी हल्दी। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसको लगाना कैसे है वो हम देख लेते हैं, कितनी देर अप्लाई करना है। गाइस, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को एकदम बढ़िया क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको इसको धीरे धीरे अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेना है और इसको नेक एरिया में भी लगाएं। तो अब हमारा ये फेस पैक लग के तैयार हो चुका है। जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक लगा के रखना है इसे। तो अब ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे आपको छुटाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए फेस पर एक ग्लो दिख रहा होगा आपको। एक मिनट मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो ये देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया, स्किन कितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रही है और एक ग्लो भी है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग भी इस फेस पैक को लगाइए, इंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।